और सीधे रुख करेंगे बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। महामंत्री और झारखंड के प्रभारी दिलीप सैकिया जी उपस्थित थे। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी, हमारे पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन प्रभारी नागेंद्र जी, हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी और हमारे राष्ट्रीय मंत्री अभी बनी है आशा लकड़ा जी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराव जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। और इस बैठक में हमारे प्रदेश कार्यालय में हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे और पूरे राज्य के सभी जिलों में जिला केंद्रों पर हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सांसद विधायक सभी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ। इसमें बाकी सारे नेताओं का भी मार्गदर्शन इस बैठक में आया। बैठक की शुरुआत में ही उद्घाटन भाषण में ही हमारे अध्यक्ष जी ने जहां एक ओर केंद्र सरकार मोदी जी के सरकार के किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था, राज्य के रुके हुए विकास के कार्य, राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, राज्य में बढ़ते अपराधीकरण, इन सारे बिंदुओं को लेकर उन्होंने इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा की। मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जहां एक ओर केंद्र सरकार जो पूरे देश में विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, समाज के सभी वर्गों को खासकर जनजाति समाज, अनुसूचित जाति समाज, हमारे पिछड़े वर्ग और हमारे गरीब लोग जिनको ध्यान में रखकर सरकार विकास का कार्य कर रही है, इन सारी कार्यों को कार्य समिति ने प्रशंसा किया है और मोदी जी के प्रति आभार प्रकट किया है। अभी अभी पिछले दिन जिस तरह से यहाँ के जनजातीय वीर सपूतों को लेकर उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा किया, इससे निश्चित रूप से झारखंड के मान सम्मान और यहाँ के वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों,